मल्टीपर्पज कार वॉशर, बाकी ये तो गन, बाकी इसका प्रेशर चेक। हेलो व्हाट्स, कैसे आप लोग, आई होप यू आर डूइंग वेल, सभी को राम राम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कार की प्रोस। तो बाकी आज फिर से आ चुके भाई प्यारी सी वीडियोस लेके। थोड़ा धूप की तरफ चेहरा रखते ना तो चेहरा गोरा गोरा दिखता है, इसलिए मैं थोड़ा सा कैमरा से फ्लिप कर लेता हूँ ताकि थोड़ा साफ साफ सा दिखू, मस्त गोरा गोरा सा ना, समझ रहे हो। तो बाकी आज भाई अब देखो कैसा दिख रहे हैं, रंग उड़ गए भयंकर। तो बाकी अभी दिखाने वाले भाई हम बहुत सी खतरनाक सी चीज जो कि लाए हैं अपने भाई अपनी गाड़ियों के लिए, मतलब एक गाड़ी के लिए नहीं भाई हर गाड़ी के लिए, और मल्टीपर्पज चीज है भाई तुम्हें दिखाएंगे भाई अभी। और वो चीज का प्लान ऐसा बना कि भाई हमने कहा दो तीन गाड़ियां तो अपने पे हो ही गई है, भले छोटी छोटी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो तीन गाड़ियां तो है ही, तो उनको साफ रखने के लिए तो भाई एक चीज मंगानी पड़ती है, वो है वॉशर भाई। तो वॉशर चेक करवाते हैं, बाकी जिग्नेस चेक मारो इसमें करके दिखाएंगे वॉशिंग उससे, तो वेट करो भाई। अपने जिग्नेस भाई यहाँ पार्क कर दिए, बाकी तुमने इसमें कुछ चीज दिख रही होगी, वो चीज है भाई अपना स्टार क्यू का एक, क्या बोलते उसको भाई, कार वॉशिंग मशीन, कार वॉशिंग मशीन, कार वॉशर है भाई। बाकी इसको अनबॉक्स करते हुए, अनबॉक्स तो मैं करे था बिकॉज ओपन बॉक्स ली हुई है, आज ही दिन में भाई डिलीवर हुआ है भाई, उतारो उसको नीचे जरा अनबॉक्स करके दिखाओ उसके अंदर क्या क्या आइटम आते हैं। तो बाकी इसके अंदर आइटम चेक करवाते हैं भाई क्या क्या आता है। बाकी ये तो गन हो गई जिसमें से भाई प्रेशर वॉश मतलब प्रेशर वगैरह मारते हैं, और ये इसका फोम कैनन है भाई, हमने इसके लिए फोम कैनन दूसरी मंगवा रखी, ये हमारी बेकार सी होती है तो ये किसी काम की चीज़ नहीं है हमारे उतनी। तो बाकी ये डिब्बे पे मैं आई थी तो डिब्बा हमने खोल रखा भाई, ठीक है। तो इसको साइड करते हैं, साइंस तो इसको भी साइड करते हैं, ये हमारे मतलब की चीज़ें नहीं है, ये भैया वारंटी कार्ड है भाई इसका, ठीक है इसको संभाल देंगे। बाकी इसमें पाइप है, ये आई थिंक एक या दो मीटर, एक डेढ़ मीटर का होगा ज्यादा से ज्यादा, ये शायद वाला पाइप है जिससे पानी खींचता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, ये है धोने वाला पाइप, बाकी इसकी क्वालिटी चेक मारो भाई। भाई रबर है, अंदर मेटल है भाई प्रॉपर भाई, मतलब लीक होने की दिक्कत ही नहीं है कहीं, फटकी वटकी भी लग गई ना खटे खटे का नहीं, ये लॉक नोजल वगैरह फिल्टर वगैरह पता नहीं क्या क्या है भाई इसमें। बाकी इसमें फ्री मिल रखा हमको, हमने मंगाया था कैसा है, एक हमने मंगाया था एक फ्री और आ गया भाई, ठीक है। तो बाकी ये चीज भी, और ये नोजल को लंबा करने के लिए है, जो अपनी गन है गन के आगे से लगता है इसको, तो लंबा कर सकते हो, नल में भी लगा सकते हैं। हाँ इसमें सुविधा के लिए भाई, इसमें नल की टोटी है आगे से तुम लगा सकते हो उसको, एपी पे लगाओ और पीछे इंस्टॉल कर लो इसके पीछे। अब सबसे मेन चीज है भाई हमारा ऊपर डूपर, सबसे मेन चीज ये क्या चीज है, सबसे मेन चीज छल्ला बना देते हैं इसका तो हरा इसको, ये है अभी सबसे मेन चीज भाई, ये फ्री में मिला है, वो मेन है, ये मेन है, ये फ्री मिला है। तो ये है भाई स्टार क्यू का मोटर, बाकी इसके जो स्पेक्स है मैं दिखा देता हूँ भाई, जरा होल्ड करियो अपने हाथ पे, इसका स्पेक चेक करो एक बार। इसकी पावर 2100 वोल्ट है, फ्लो रेट 8 लीटर पर मिनट है, प्रेशर 100 से 180 बार का, वोल्टेज 220 से 240, ठीक है भाई। तो ये कुछ इसके स्पेक्स थे भाई, इसमें लिखे रहते पहले से, बाकी मॉडल नंबर इसका तो मैं चेक कर रहा था, ये है ST25 और इसमें पूरी 100% कॉपर वाइंडिंग है, तो भाई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इनबॉक्स तो कर दिया है तो ज्यादा देर दरी नहीं करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं अपना जो भी इसका काम रहने वाला है। तो बाकी ये है इसका आउटलेट, इनलेट का कुछ का पाइप है भाई, ये मुझे नहीं पता किसका है, ये तो आउटलेट का है, ठीक है। कि पहले इसको देख ही लेते हैं, हरा अपने हाथ से जोड़ लेते हैं, उसके बाद ही पता लगेगा कि कहाँ पे कैसे होना है, उसके बाद तुम्हें आराम समझा दूंगा कैसे क्या करना है, तो वेट करो आराम से दिखाते हैं, फिटिंग कर लेते हैं पहले खुद से, उसके बाद बताते हैं। ये भी यूट्यूब वीडियो देख देख के समझ में आया कि भाई इसमें क्या करना है, पहले तो पाइप हटा दिया भाई वाला। तो बाकी अभी यहाँ पर से ना ये यहाँ से फिट जाता है, जो अपना ये वाला पाइप है ये आउटलेट का है, ठीक है, और ये वाला इनलेट का है इसमें जो ये मोटा वाला है, तो इसको जुगाड़ करने के लिए ना भाई, अरे सॉरी पहले ये लगता है वाइट वाला, ये से कट जा रहा है, तो पहले ये वाइट वाले को कस देते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से। बाकी नोजल वोजल नहीं, खाली लोहे के आने चाहिए यार, प्लास्टिक के बेकार होते हैं, अभी तो चल रहा है, कुछ टाइम बाद जब ऐसे ओपन वो करते हुए यूज करेंगे ना कुछ टाइम बाद खराब हो जाएंगे फिर। तो बाकी ये पाइप जाएगा इसके अंदर से, एक इसके इतने बड़े होल में पाइप नहीं घुस रहा इससे, बाकी ये इस तरीके से घुसेगा और ये यहाँ पर को प्रॉपर कस जाएगा, बाकी इसको कर देंगे टाइट, और भाई अपना ये यूज्ड टू हो गया, बाकी इसको करना कुछ नहीं है, पीछे हल्का सा होल्ड करके, अच्छा ऐसे ही उतारा गया, ऐसे ही लगता है ढीला ढीला सा, अब हुआ ठीक है, किट्टा बाजी थी उसके बाद लॉक हो गया, ठीक है। तो अपना जो सिस्टम है वो रेडी हो चुका है, ये हो गया इनलेट का, वो हो गया आउटलेट का, तो आउटलेट के मुंह पे आप जोड़ेंगे अपने पाइप वगैरह, मतलब कि गन वगैरह, जो गन रहने वाली है अपने पे, ये बता रहा हूँ अभी, ये गन वगैरह, तो गन वगैरह यहाँ पे जुड़ जाती है भाई, यहाँ पर जोड़ो इसको, यहाँ पर कस दो ऐसे करके, ठीक है। और फिर उसके बाद जो फोम वगैरह रहता है वो उसका आगे जुड़ता है, जो ये है ना ये बहुत बेकार सा है, तो हमने इसके लिए अलग से मंगा रखा है, वो कुछ टाइम बाद आएगा, उसका भी यूज करके दिखाएंगे आपको। तो बाकी इसका प्रेशर वगैरह चेक करेंगे इस मशीन का अगले व्लॉग में, तीसरे चौथे व्लॉग में आई थिंक इसका जो गन है कैनन गन है, फोम कैनन कहते हैं उसको, जो है वो आ जाएगी, उसके बाद उसको यूज करेंगे भाई। फिर मैंने डायरेक्ट डिग्गी में था, बाकी भी वहाँ चेक करते हैं यहाँ से ऑन करके, देखते हैं भाई कर रहा नहीं कर रहा है, ठीक है इंतजार मारते हैं, आ गया भाई। तो बाकी अभी इसमें बहुत प्रेशर है भाई, प्रेशर है ना अच्छा खासा इस पे, आगे जरा धार मारियो कितना लंबा जा रहा है, बाकी चेक मारो खड़े खड़े भाई इतना लंबा जा रहा है, इजीली वो सामने ईंटें रखी हुई है वहां तक जा रहा है इसका, तो आगे तक ही जा रहा है। तो अब करना क्या है ना भाई, इसका आगे जोड़ते हैं अपनी गन, अपनी गन नहीं मतलब मशीन की गन, और दिखाते भाई तगड़ा वाला प्रेशर भाई,
और गन को भी हार्ड नहीं इंस्टॉल करना, गन इससे जल्दी स्टॉल आती है। हाँ वो रबड़ वाला है, आराम से टेढ़ा मेढ़ा मत कर, ये हाथ से ताकत नहीं लगानी इसमें, प्यार से फोन करना वहाँ पर। अरे मैं वीडियो में मैं दिखाऊंगा ना, मैं दिखा रहा हूँ ना यूट्यूब में भाई, तू नहीं दिखा पाएगा ना यार। ऐसे दिखाना पड़ता है ना, बच्चे हैं इनको समझ में नहीं आता, पटकी अठी माननी पड़ती जरा। ये एक और चीज है भाई इसमें, ये पता नहीं क्या है, अभी देखते इसको भी क्या सीन होता है। बाकी चेक करता इसका प्रेशर, ऑन करियो भाई जरा, क्या कर रहा है। अच्छा पावर कट वाला सिस्टम है, मतलब कि जब तक मैं दबाऊंगा तब तक वहाँ से ऑन नहीं होगा। तो बाकी इसका प्रेशर चेक मान लो भाई, इतना प्रेशर है भाई, देख रहे हो कितना लंबा जा रहा है। तो बाकी भी चेक करवाते हैं, इसमें नोजल साइड भी जाती हैं, बाकी चेक करो। लो तू फोन पकड़ जा, तो वो चेंज कर इसका आगे का नोजल, ये थोड़ा लेजर ऐसे निकल जाती है, जितना पतला करोगे ना उतनी लेजर निकलती है। अब रोक जरा, रोक इतना आगे से चौड़ा कर रहे हो उतना वो निकल। अच्छा अच्छा जितना देखो ये है, दबाइयो मत ना, ये इस तरीके से कुछ काम करता है, जितना इसको ऐसे ब्रॉड रखोगे तो लेजर लेजर जैसी मारेगा। तुम चेक करवाता हूँ, पानी ऐसा जाएगा फ्लैट फ्लैट सा, ये चेक करो। बाकी ये बाकी चेक करो भाई, पैसे है भाई, हाथ में पकड़ने के बाद लग रहा है ऐसे, मतलब देख रहे हैं ना पता नहीं लग रहा कि प्रेशर कितना आ रहा है, लेकिन हाथ में पकड़ के यूज कर रहे हैं ना तब पता लग रहा है कि भाई हाँ भाई प्रेशर है, मतलब हाथ में पीछे को, हाथ में पीछे को जा रहा है। ये देखो भाई हाथ ढीला छोड़ेगा ना बंदा कोई, ये थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि हाँ अच्छा खासा प्रेशर है। तो बाकी अभी इसमें थोड़ा सा करते हैं, शैम्पू ला रखा भाई मेरा, इसको डालते हैं, देखते हैं कितना फोम बनाता है इसका कैनन, क्योंकि इसका जो कैनन है ना वो हमने ऑर्डर कर रखा है अलग से और वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो बाकी अभी हल्का सा करते हैं इसका यूज, बाकी देखते हैं क्या सिस्टम बैठता है इसका, ठीक है। इसका प्रेशर ना डिब्बे मार के दिखाते हैं, देखते हैं डब्बा फाड़ता नहीं फाड़ता है, बाकी चेक करते हैं भाई। कार्डबोर्ड को तो भाई ये लेजर लाइट की तरह चीट दे रहा भाई, ऐसे बॉक्स गिरा दे। बाकी चेक मारो भाई, खाली कर दिया इसने तो, क्रेजी चीज है यार ये देखो भाई, मतलब तुम इसे ड्राइंग कर सकते हो। तो उसके नोजल इसके मुंह पर लगाते भाई ये आइटम होम कैनन। तो बाकी भी इसमें एक्सटेंडर जोड़ा हुआ है, बाकी प्रेशर दिखा दे रहा इसका भाई एक बार, ये देखो सारा खेल ही भाई इस आइटम का है, इसके अंदर होता है जो होता है। तो बाकी इसको करते हैं अभी इंस्टॉल कर इसको, वैसे रबड़ तो दोनों जगह पे है इसकी, ये चीज सही है इसमें। बाकी इसको भी कर दिया इंस्टॉल, अब मारो जरा प्रेशर, अब चेक मारो, देख रहे हो ये एक्सटेंडर है भाई, इस तरीके की गन बन चुकी है भाई ये। तो बाकी जो मैं जैसा बता रहा था ना कि इसका जो ये फोम है ना, फोम कहना नहीं बहुत बेकार सी है भाई, इसका फोम मार के दिखा दो कैसा करता, देखो ये ऐसा फेंकता है भाई, थूक जैसे हम मुंह से थूकते हैं ना भाई वैसा थूकता है भाई खाली है, ये देखो भाई ये। बाकी जो शैम्पू है वो भी नया आने वाला है, ये शैम्पू थोड़ा सा ऐसा ही है। तो बाकी भाई कुछ इस तरीके का फोम है बन रहा है इससे थोड़ा बहुत ही, तो इसको नजरअंदाज करना, बिकॉज हम इसके लिए अलग से लेके आएंगे भाई एक और फोम कैनन और शैम्पू भी, जो फोम वाला जो असली फोम वाला आता है ना वो शैम्पू भी अलग होता है, ठीक है जो फोम बनाता हकीकत में। तो बाकी चेक कर लो भाई, तो बाकी गाड़ी पूरी वॉश कर लेते हैं। तो बाकी तो कुछ इस तरीके का फोम बन रहा है अभी फिलहाल, अपना ही तो उसके फोम कैनन आता है उसके साथ। और बाकी कि अभी भाई काम करते करते इतना बिजी हो गए वीडियो बनाना ही भूल गए, तो बाकी अपने गाड़ी भाई में जो दिख नहीं है सब भाई फिलहाल धुल चुकी है, बाकी चेक मारो क्या मस्त धुली है। तो बाकी इसका प्रेशर ना भाई बहुत ज्यादा मस्त है, मतलब कहीं भी मिट्टी विट्टी लगी है ना भाई आराम से निकाल देगा। बाकी ये देखो भाई ये ऐसे निकल जाती भाई ये देख रहे हो, ये मतलब घर अगर जो बंदे घर के यूज के लिए देख रहे हैं ना कि उनको चाहिए मिट्टी विट्टी साफ हो जाए, बाकी अभी गाड़ी से मिट्टी निकली, ये देखो ये भाई घर की घर का फर्श वगैरह जो भी करना ना भाई सब साफ हो जाता है एक ही स्वाइप में कर ले। तो बाकी अभी देखो हमारे फर्श में ना काई हल्की हल्की, तो उसको इससे साफ करके दिखाता हूँ भाई, ये देखो जैसे वो लेजर प्रिंटिंग होती है ना भाई वैसी प्रिंटिंग कर दे रहा है ये। बाकी ये एरिया देखो, अब तुम्हें यहाँ पर का एरिया तुम्हें दिख रहा होगा ये ऐसा है, ठीक है ये इतना एरिया देखना भाई, ये तो यहाँ पर का एरिया ये है, अब देखना भाई भाई काई तो काई मिट्टी पत्थर जो भी है ना नीचे उखड़ के ऊपर को आ जा रहा है, सीमेंट उखड़ के ऊपर आ जा रहा है ऊपर को। बाकी ये देखो भाई ये देख रहे हो जहाँ मारा नहीं भाई वहाँ साफ भाई, देखो ये और ऐसा नहीं जगह पे देर तक मारना पड़ रहा है कि भाई अब साफ होगा ये देखो भाई ये
ये हमारे पांव से साफ नहीं होने के, देखो ये नहीं हुआ। अब देखो ये देखो भाई, ये बहुत तगड़ा भाई। ओए पागल है क्या? दर्द भी अब मत करना, गुस्सा हो गया भाई ये। तो बाकी इसका भाई ये रिस्पांस था, बाकी प्रेशर चेक करवाते हैं। ये देखो भाई इतना लंबा प्रेशर, अपने हालत चेक मारो भाई, गीले गीले हो गए, पसीना पसीना आ रहा है। तो बाकी मेरा भाई तो करता रहेगा साफ इसको, ये देखो खला इसने गंदा करा तो यही साफ करेगा। बाकी अपने ब्लॉग के जरिए एंड करते, मुझे कमेंट करके बताना कि इसका जो प्रेशर है और ये मशीन कैसी लगी। और अगर ऑर्डर करना होगा तो भाई फ्लिपकार्ट में StarQ ST25 करके मॉडल नेम है, वहाँ से जाके ऑर्डर कर लेना इसे। तो बाकी अपने ब्लॉग को भी धीरे एंड करते हैं, होप कि आपका ब्लॉग पसंद आया हो। तो ऐसे ही हंसते रहो, खेलते रहो, मेरे ब्लॉग देखते रहो। आपसे मिलते हैं आने वाले ब्लॉग पर एक ऐसे धासू से वीडियो के साथ। तब तक का स्टूडियो, जय श्री राम भाई।